क्या फर्क बात है? इसका गिरी जो है वो सफेद होता है, इधर देखो इसका गिरी होलसेल असली घी का, देसी घी का बना हुआ है। खानी चिमिश सुंदरखानी, सुंदरखानी वाला ये पेशावर वाला है, देसी गुड़ है ये वाला, इसमें बगैर केमिकल वाला है, ये बगैर केमिकल है, बिल्कुल सफ़ेद, ये बगैर केमिकल का है, देसी वाला। देसी जी, देसी है। क्या भाव है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दोस्तों आज हम मौजूद है सदर बाड़ा मार्केट में, आज हम बताएंगे आपको ड्राई फ्रूट के 2022 और 2023 के प्राइस। और ये भाई की शॉप है, इसका विज़िट करते हैं कंदार पंसार एंड ड्राई फ्रूट, इसके पास क्या क्या ड्राई फ्रूट मिलते हैं और इस भाई से अपडेट लेते हैं। पंसार की चीज़ें भी इसके पास मौजूद है, खुश्क मेवे, और ख़ास तौर पर इसका हमने सुना है कंदारी अंजीर, वो जो बेहद ज़बरदस्त और बड़े साइज़ का है। ये सारी इसकी शॉप का विज़िट करते और आपको 2022 और 2023 के प्राइस की अपडेट देते। तो आइए मेरे साथ देखते हैं इस भाई की शॉप, तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, क्या नाम है भाई आपका? जैनुल्ला। सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले ये जो ड्राई फ्रूट का किंग है ना, जैसे सबसे पहले बादाम की क्वालिटी बताओ, ये कौन सा बादाम है? ये मिरकम बादाम है, इसमें कड़वा नहीं आता है, सबसे बेहतरीन बादाम ही होता है। ये 1800 रुपये का किलो होता है बादाम में, देखो। अच्छा जी, ये वो आगे वाला, ये भी अमेरिकन है, ये इससे बड़ा वाला होता है, ये बड़ा वाला है, ये छोटा है। प्राइस? ये 2000 रुपये का किलो होता है, ये 1800 रुपये का किलो होता है। ये जो तलवार बादाम इसको बोलता है, ये देखो तलवार बादाम इसको बोलता है, तलवार वाला बादाम, तलवार बादाम, अमेरिकन तलवार बादाम जी। ये अफगानिस्तान से आता है, शहतूत है, और इसके सिर में जो पड़ा हुआ है ये खुबानी है। ये क्या किलो होता है? ये जो है 700 रुपये का किलो चलता है होलसेल के दाम से। ये चाइना का अखरोट है भाई जान, ये चाइना वाला अखरोट है, 650 रुपये का किलो है। इसमें एक ये वाला अच्छा वाला है, ये जो है 1000 रुपये का किलो है, अमेरिकन अखरोट है। क्या खास बात है? इसका गिरी जो है वो सफ़ेद होता है, बिल्कुल सफ़ेद होता है, जैके में इसमें तेल भरा हुआ होता है, दिमाग के लिए सही होता है। जी, इसका गिरी जो है वो सफ़ेद होता है, इधर देखो इसका गिरी इस तरह सफ़ेद होता है। जी जी, ये 1200 रुपये का किलो है, ये ऑस्ट्रेलियन बादाम है, ऑस्ट्रेलिया से आता है कागज़ी बादाम, एक इसमें दूसरा वाला ये वाला है, ये 1000 रुपये का किलो है, ये कोयटा का बादाम है। फ़र्क क्या है? ये वो जो दान से तोड़ने वाला है, ये हाथ से तोड़ने वाला है, ये कागज़ी बादाम है जी। ये जो है 1200 रुपये का किलो है, हाथ से तोड़ने वाला बादाम, डबल निकल गया इसे देखो, इसमें डबल भी निकलता है। काटा काटा बादाम है, ये बहुत सख्त वाला है, ये पत्थर से तोड़ने वाला है, ये 600 रुपये का किलो है। किशमिश कहाँ का? किशमिश अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का किशमिश है, ये छोटा वाला किशमिश, गोल किशमिश उसको बोलता है। एक इसमें एक अच्छा वाला है, ये वाला, ये वाला, ये अच्छा वाला सुंदरखानी किशमिश। कौन सा? सुंदरखानी, सुंदरखानी। अच्छा, सुंदरखानी जो होता है, ये जो है 1000 रुपये का किलो होता है, वो छोटा वाला 800 रुपये का किलो होता है। ये बड़ा वाला किशमिश, इसमें वो अंदर दाना भी नहीं आता है, जिसके अंदर दाना आता है। काला किशमिश 800 रुपये का किलो है, ये भी अफगानिस्तान से आता है। ये का जो है प्राइस तुम्हारा होलसेल है ना? होलसेल का रेट है भाईजान, ये 2600 रुपये का किलो है होलसेल के दाम से। इंडियन का जो है बेहतरीन वाला, ये नमक वाला इंडिया का है। जी जी, ये नमक वाला एक इसमें सादा वाला है, मीठा वाला कहाँ का? ये भी इंडिया का है, खजूर सिर्फ इंडिया से आता है। ये खजूर है बलूचिस्तान का है, ये रबई खजूर इसको बोलते हैं, चॉकलेटी खजूर, ये 550 रुपये का किलो है। ये खजूर जो है ईरान वाला है, जैदी खजूर इसको बोलता है, 350 रुपये का किलो है। ये ईरान वाला खजूर है डब्बे वाला, ये जो है ये 450 रुपये का किलो है। ये वाला किस्ता, ये ईरान का, ये किस्ता सिर्फ ईरान से आता है, और किसी जगह से नहीं आता है, सिर्फ सिर्फ ईरान से आता है। वहाँ का पैदावार, वहाँ के पैदावार। जी जी, ये वाला, ये क्या भाव है? ये 450 रुपये का भाव है, पाकिस्तानी है, देसी वाला। अच्छा जी जी, साफ सुथरा होता है, साफ सुथरा होता है बिल्कुल। ये क्या चीज़ का भाव है? ये गुड़ का शक्कर है, पिस्ता हुआ गुड़ है, गुड़ का शक्कर। जी जी, ये देसी वाला, इसमें आता है पंजाब वाला, ये पंजाब वाला है, ये पेशावर वाला है, पंजाब वाला जी। इसमें क्या भाव है? ये क्या भाव है गुड़ का शक्कर? 180 रुपये का किलो है, ये आधा किलो का पैकेट है, 90 रुपये का है। अच्छा
90 रुपये का। जी 90 रुपये का आधा किलो का पैकेट। और ये 200 रुपये का किलो है, ये तो 180 रुपये का किलो है। ये वाला है, ये पंजाब वाला है, ये पेशावर वाला है, देसी गुड़ है ये वाला, इसमें बगैर केमिकल वाला है। ये बगैर केमिकल काला गुड़ पेशावरी गुड़ है जी। और ये पंजाब वाले में होता है केमिकल, इसमें केमिकल होता है, केमिकल से सफ़ेद करता है ये। ये पिस्ता हुआ कोपरा है जी। ये वो पान वाला होता है या अलग होता है? ये अलग होता है, अलग होता है जी जी। क्या हिसाब है? ये भी 600 रुपये का किलो है। कंधार पंसार, कंधार पंसार एंड ड्राई फ्रूट स्टोर। अच्छा जी, नंबर क्या है? हमारा नंबर 0316-02-94-989। कंधार का क्या चीज़ खास है? कंधार का, कंधार का इंजीर खास है। इंजीर बताओ। इंजीर ये कहाँ का है? ये इंजीर ये कंधार का है, अफगानिस्तान कंधार। एक नंबर, एक नंबर बगैर केमिकल वाला। क्या बात है, ये इंजीर बड़ा वाला बगैर केमिकल वाला है। एक केमिकल वाला होता है बिल्कुल सफ़ेद, ये बगैर केमिकल का है, देसी वाला। देसी है जी, देसी है। क्या भाव है? ये जो है 2200 रुपये का किलो है। अच्छा, एक नंबर, एक नंबर 550 रुपये पाव। 550 रुपये का पाव हो गया। बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश वाला, सफ़ेद है, सफ़ेद। अच्छा, इसका क्या पहचान होता है? पुराना होता है, पुराना होता है तो वो ज़्यादा काला हो जाता है, काला हो जाता है, ज़्यादा काला हो जाता है जी। ये पहलवान रेवड़ी चकवाल का है, ये पाव का डब्बा है 180 रुपये का। एक पाव का 180 रुपये जी। डब्बा पैक के बिल्कुल, बिल्कुल पैक डब्बा है। अच्छा, बिल्कुल पैक है जी। लिटल के रेट से जो 180 का है 150 रुपये का बेचता है, होलसेल असली घी का, देसी घी का बना हुआ है। 150 रुपये का डब्बा बेचता है पाव वाला। कहाँ का है ये बड़ा पैकेट वाला? ये अफगानिस्तान वाला चिलगोज़ा है। अफगानिस्तान जी जी, अफगानिस्तान का चिलगोज़ा है, सबसे बेहतरीन किंग वाला पैक है। कंपनी जी, कंपनी का पैक है। ये 6000 रुपये का किलो है, सबसे बेहतरीन कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया जी जी। क्या किलो है? ये 6000 रुपये का किलो है। एक पाकिस्तानी आता है, वो खुला आता है, वो अभी नहीं आया हुआ है, वो सर्दी में आएगा। अच्छा जी, वो सर्दी में आएगा, वो 4000-3500 रुपये का किलो होता है। ये काश-काश है, ये चार मगज़ है, ये गोंद है, ये गोंद है, और ये इलायची है। इलायची है। क्या भाव है ये? 200 रुपये का पाव, ये भी 200 रुपये का पाव, ये 150 रुपये का पाव, इलायची जो है 1500 रुपये पाव। चले जैन भाई, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, और चीज़ें बताया। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह, मेहरबानी।